हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 115 तक हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 से। यूथ पब्लिकेशन के सॉल्ट पेपर से शेक्सपियर के क्वेश्चंस हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ अ सॉल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स ए विल वुड मैन ऑब्जर्वली डिस्टिल आउट इट आउट Who has written it? ये लाइन किसने बोली है फ्रेंड्स? और ये उत्तराखंड GIC लेक्चरर 2018 में आया हुआ है फ्रेंड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। आंसर इज सी, विलियम शेक्सपियर। देयर इज सोल, ये लाइन जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। दिस लाइन अपियर्स इन हेनरी फाइव इन एक्ट फोर सीन फर्स्ट। हेनरी फाइव इज़ अ हिस्टोरिकल प्ले। ये लाइन जो है फ्रेंड्स हेनरी फाइव से ली गई है, जो ऊपर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर ए ट्रिब्यूट टू मार्लो एज द डेड शेफर्ड। शेक्सपियर के किस प्ले में मार्लो को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है, श्रद्धांजलि दी है एज द डेड शेफर्ड के रूप में? आंसर इज सी हियर, एज यू लाइक इट इज़ अ पेस्टरल कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर, बिलीव टू हैव बीन रिटन इन 1599। एज यू लाइक इट 1599 में लिखा गया था और पब्लिश किया गया था 1623 में फ्रेंड्स। एंड दिस प्ले ऑफ शेक्सपियर देयर इज़ अ ट्रिब्यूट टू मार्लो एज द डेड शेफर्ड। और इसी प्ले में मार्लो को ट्रिब्यूट दिया जाता है एज द डेड शेफर्ड के रूप में। नेक्स्ट है, एज फ्लाइज टू वंटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पॉट, हु अटर्ड दीज लाइन्स। ये लाइन किसने बोली है और कहाँ बोली गई है फ्रेंड्स? ऑप्शंस नहीं देखते, डायरेक्ट आंसर देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। अर्ल ऑफ ग्लूकस्टर अटर्ड दीज लाइन्स, एज फ्लाइज टू वंटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पॉट। दिस फेमस लाइन्स ओकर्स इन एक्ट फोर सीन फर्स्ट इन द फेमस ट्रेजडी किंग लियर। ये किंग लियर से ली गई है, एक्ट फोर सीन फर्स्ट में बोली गई है फ्रेंड्स, और अर्ल ऑफ ग्लूकस्टर ने ये लाइन बोली है फ्रेंड्स। और UPTGT 2010 में आया हुआ है और उत्तराखंड हायर असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन, हु रिमार्क्ड इट फॉर विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में ये लाइंस किसने बोली है, ये लाइन किसने बोली है फ्रेंड्स? UPPGT का क्वेश्चन है 2016 का। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन, दिस रिमार्क अबाउट शेक्सपियर इज मेड बाई सैमुअल जॉनसन इन हिज प्रीफेस टू शेक्सपियर। ये लाइन फ्रेंड्स क्रिटिकल कमेंट जो है सैमुअल जॉनसन ने बोला है और प्रीफेस टू शेक्सपियर अपने वर्क में उन्होंने इसको बोला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव सोल। ऑप्शन बी इज राइट हियर, ड्राइडन, जॉन ड्राइडन इन हिज एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव सोल। जॉन ड्राइडन ने उनको द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव सोल बोला था फ्रेंड्स। NVSPGT 2019 का क्वेश्चन है, फिलिप इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट। प्रिंस हैमलेट की जो मदर थी उनका क्या नाम था और जो कि क्वीन ऑफ डेनमार्क भी थी? गर्ट्रूड। हैमलेट इज अ ट्रेजडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। गर्ट्रूड इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड शी इज द मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट। प्रिंस हैमलेट की मदर का नाम गर्ट्रूड था फ्रेंड्स, सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 122, द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय शेक्सपियर हैज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स स्टोरीज। कॉमेडी ऑफ एरर्स में किस प्लॉट और स्टोरी को दिखाया गया है फ्रेंड्स? द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज ए कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। द सेटिंग ऑफ दिस प्ले इज इन यूफियस। इसकी जो सेटिंग है वो यूफियस में है और ये एक कॉमेडी प्ले है। दिस कॉमेडी इज ए स्टोरी ऑफ ट्विन ब्रदर्स। ये ट्विन ब्रदर्स की स्टोरी है, एंटीफिलस ऑफ यूफियस एंड एंटीफिलस ऑफ साइकेरस सिरेक्यूज आर द सन्स ऑफ एजियन एंड एमिलिया। एजियन और एमिलिया के ये दोनों बेटे थे, ट्विंस, और इनके जो सर्वेंट्स होते हैं फ्रेंड्स वो भी ट्विंस ही होते हैं इस प्ले में। नेक्स्ट है, वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा एवर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर नॉन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी। किस वर्क को विलियम शेक्सपियर के डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी बोला जाता है फ्रेंड्स? मीजर फॉर मीजर इज नॉन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। सेटिंग ऑफ द प्ले इज वेनिस। इस प्ले की सेटिंग वेनिस है और इसाबेला, एंजेलो, एस्केलस, ड्यूक, विंसेंसियो आर द कैरेक्टर इन द प्ले। ये कुछ कैरेक्टर्स के नाम इस प्ले से दिए गए हैं फ्रेंड्स। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल एज अ रोमांटिक कॉमेडी बाई, ऑल इज़ वेल दैट्स एंड्स वेल ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये सभी को पता है फ्रेंड्स, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। हैमलेट बाई शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। हैमलेट की सेटिंग यहाँ पर पूछा गया है। हैमलेट इज अ ट्रेजडी बाय विलियम शेक्सपियर। हैमलेट वॉज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। द सेटिंग ऑफ दिस प्ले इज इन डेनमार्क। इसकी जो सेटिंग है वो डेनमार्क में ही है फ्रेंड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोजालिंड द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर अपियर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले। रोजालिंड किस प्ले की
फीमेल कैरेक्टर थी. रोजालिन द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर अपीयर्स इन एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर. एज यू लाइक इट की हीरोइन थी रोजालिन. शी इज़ द डॉटर ऑफ बेनिस ड्यूक सीनियर. ये ड्यूक सीनियर की बेटी थी. रोजालिन एंड सीलिया आर फ्रेंड्स. सीलिया और रोजालिन दोनों फ्रेंड्स थी. रोजालिन इज इन डिस्क्विस्ट ऑफ ए यंग मैन गैनीमेड एंड सीलिया इज इन डिस्क्विस्ट ऑफ एलियाना. तो रोजालिन ने जो अपना वेश बदला था और नाम रखा था गैनीमेड, और सीलिया ने अपना वेश बदलकर नाम रखा था एलियाना. एक कॉमिक कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर इज फाउंड इन मोर देन वन ऑफ प्लेस. एक से ज़्यादा प्लेस में कॉमिक कैरेक्टर जो है विलियम शेक्सपियर के पाया जाता है, तो वो कौन सा है? जॉन फालस्टाफ, एरियल, क्लॉडियस और एंटोनियो. सर जॉन फालस्टाफ इज अ कॉमिक कैरेक्टर बाय शेक्सपियर इज फाउंड मोर देन वन ऑफ हिज प्लेस. सर जॉन फालस्टाफ अपियर्स इन हेनरी फोर पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर पार्ट सेकेंड एंड मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर. ये जो सर जॉन फालस्टाफ है, ये एक से ज़्यादा प्लेस में फ्रेंड्स पाया जाता है उनके. Angels are bright still though the brightest fell. Macbeth. Who is the brightest referred by Shakespeare in this court? इस कोर्ट में brightest किसको बोला गया है फ्रेंड्स? Angels are bright still though the brightest fell. Macbeth से ये लाइन बोली गई है फ्रेंड्स. और Angels are bright still though the brightest fell appears in William Shakespeare play Macbeth. This line spoken by Malcolm. ये Malcolm के द्वारा बोली गई है in Act 4 Scene 3. हियर शेक्सपियर हैज़ रेफर्ड ब्राइटेस्ट टू लूसीफर. यहाँ पर शेक्सपियर ने ब्राइटेस्ट एंजल लूसीफर को बोला है. लूसीफर इज द एंजल बैनिश्ड बाई गॉड फ्रॉम हेवन फॉर सीकिंग पावर. और लूसीफर जो है उसको गॉड ने बैनिश कर दिया है हेवन से, और जो कि अब उनसे क्या करता है, बदला लेना चाहता है. फॉर विशिंग टू असर्व द अथॉरिटी ऑफ गॉड. इन मार्लोज प्ले फर्स्ट अस ऑल्सो विशेज टू अचीव पावर. और ये जो एंजल है लूसीफर, ये मार्लो के प्ले फर्स्ट अस में भी दिखाई देता है फ्रेंड्स. नॉलेज एक्सीडिंग द लिमिट्स गिवन मैन बाई गॉड. भगवान के द्वारा जो नॉलेज दी जाती है वो उसको बढ़ा लेना चाहता है, अपनी पावर्स को बढ़ा लेना चाहता है, और उसी की रिगार्डिंग इस प्ले में दिखाया गया है. तो यहाँ पर ब्राइटेस्ट एंजल लूसीफर को बोला गया है फ्रेंड्स. विच ऑफ द शेक्सपियर प्ले हैड द कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो. रॉबिन गुडफेलो किस प्ले में पाया जाता है फ्रेंड्स? रॉबिन गुडफेलो अपियर्स इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम. ही इज नॉन एज पक ए फेरी. उसको पक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक फेरी है इस प्ले में. लिसेंडर, डिमेट्रियस, हर्मिया, हेलेना, ओबेरॉन, टाइटानिया आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इन द प्ले. ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उस प्ले के. विच ऑफ मॉन्टेग्नेज एसे इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ प्रोस्पेरोस सर्वेंट. मोंटेग्ने के किस ऐसे के से इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने अपने दी टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो के सर्वेंट का नाम रखा था फ्रेंड्स, कैरेक्टर ड्रॉ करा था. मोंटेग्नेज ऐसे ऑफ द कैनिबल्स इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ प्रोस्पेरो सर्वेस कैनिबल. तो मोंटेग्ने के जो ऐसे हैं ऑफ द कैनिबल्स के नाम से उनका ऐसे है, इसी से इंस्पायर होकर विलियम शेक्सपियर ने दी टेम्पेस्ट में जो सर्वेंट रखा है कैलिबन, उसके कैरेक्टर को ड्रॉ किया था फ्रेंड्स. Who speaks the following lines in Shakespeare's The Tempest? For I am all the subject that you have, which first was mine on king. ये line किसने बोली थी friends? The Tempest is a play by William Shakespeare, probably written in 1610 and 11. 1610 और 11 में ये लिखा गया था The Tempest. The given speech is spoken by Caliban. ये Caliban ने line बोली है. Caliban, a savage monster figure, is servant of Prospero, जो कि Prospero का servant था. Is an exchange between Prospero and Caliban. Act first, scene second, line 320. ये act first और scene second में lines बोली गई है friends. Prospero और Caliban के बीच की dialogues हैं. Who is Macbeth at the beginning of the play? प्ले के बिगनिंग में मैकबेथ क्या था, मीन्स कौन था? मैकबेथ वॉज द हीरो ऑफ द प्ले. मैकबेथ बाई विलियम शेक्सपियर एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले. मैकबेथ वॉज थेन ऑफ ग्लेमिश. शुरुआत में ये थेन ऑफ ग्लेमिश था. ही क्विकली बिकम्स द मोर पावरफुल एंड थेन ऑफ काउडर. उसके बाद उसको थेन ऑफ काउडर बना दिया जाता है. एंड देन मर्डर्ड हिज वे टू बिकम एंड रिमेन किंग ऑफ स्कॉटलैंड. और फिर वो मर्डर कर देता है किसका, किंग डंकन का, जिससे कि वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाए. द आर्म बियरर ऑफ मैकबेथ. मैकबेथ का आर्मर बियरर कौन था? मैकबेथ इज ए फेमस ट्रेजडी. ये डिस्क्रिप्शन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स. सेटन वॉज द आर्मर बियरर ऑफ मैकबेथ. मैकबेथ का जो आर्मर बियरर था, मीन्स उसके जो शस्त्र थे, उनकी चीज़ों को उठाने वाला जो था, वो था सेटन. उसको सेटन बोलते हैं, उनके आर्मर्स को उठाने के लिए जो साथ साथ चलता है किसी नाइट किसी सैनिक के साथ. द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर सोनेट. शेक्सपियर के कितने सोनेट्स हैं फ्रेंड्स, ये कितनी बार एग्जाम्स में आया हुआ है. और शेक्सपियर के सोनेट्स हैं 154. The Shakespeare sonnet is the title of a collection of 154 sonnets which covers themes such as the passage of time, love, beauty and morality. ये उनके कुछ themes दी गई हैं friends. The first 126 sonnets are addressed to a young man. First 126 sonnets एक young man को address किए गए हैं, जिनका नाम था Earl of Pembroke, Henry Wriothesley, Earl of Southampton.
एंड 26 सोनेट्स बिलोंग टू डार्क लेडी एंड लास्ट 2 सोनेट्स आर नोन एज लव सोनेट्स। और बाद के जो 2 सोनेट हैं वो लव सोनेट्स के नाम से फ्रेंड्स जाने जाते हैं। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज अपियर्ड इन 1623। ही रोट अराउंड 37 प्लेज, 36 ऑफ विच आर कंटेन इन द फर्स्ट फोलियो। उन्होंने 37 प्लेज लिखे थे, लेकिन फर्स्ट फोलियो जो कि 1623 में हैमिंग और कॉन्डेल के द्वारा आया था फ्रेंड्स, उसमें एक प्ले को मिस कर दिया गया था और वो प्ले था पेरिक्लिस। शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाय, यहाँ पर शेक्सपियर के कुछ क्रिटिसिज्म दिए गए हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है फ्रेंड्स। एसी ब्रैडले ने लिखा था शेक्सपियर एंड ट्रेजडी जो कि 1904 में आया था फ्रेंड्स। टीएस इलियट ने लिखा था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स जो कि 1919 में आया था। कैरोलिन स्पर्गियन ने लिखा था शेक्सपियर्स इमेजरी जो कि 1935 में आया था फ्रेंड्स। और स्टीफन ग्रीनबेल्ट ने लिखा था ऑन पोएटिक्स ऑफ कल्चर एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर जो कि 1987 में आया था फ्रेंड्स। द लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स अपियर्स इन, ये लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स किस में आई थी फ्रेंड्स, ये मैकबेथ में आई थी। इज बिलीव टू हैव बीन रिटन 1599 एंड 1606। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फोलियो ऑफ 1623 बाई हेमिंग एंड कॉन्डेल। ये 1623 में पब्लिश कराया गया था और मैकबेथ जो है वो लिखा गया था 1606 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 138 इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड यागो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए इज राइट हियर। इन्वर्जन, ओथेलो वॉज रिटन इन 1603 एंड सेट इन वेनिस। द रिलेशनशिप कंसिस्ट ऑफ जेलेसी एंड मैलिस फ्रॉम यागो साइड एंड ट्रस्ट एंड नोबिलिटी फ्रॉम ओथेलो। यागो के मन में क्या था, जेलेसी थी और मैलिस थी, मीन्स घृणा थी, जेलेसी थी, ईर्ष्या थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ओथेलो के मन में क्या था, ट्रस्ट था, नोबिलिटी थी, एक महानता थी और एक विश्वास था उसके प्रति। तो यहाँ पर इन्वर्जन दिखाई देता है दोनों की फीलिंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यू एज लंदन प्ले राइट ही हैज़ डिस्क्राइब्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो। अपस्टार्ट क्रो उनको किसने बोला था फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रॉबर्ट ग्रीन ने बोला था और 1592 में बोला था फ्रेंड्स। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड विडोज क्वींस क्वेश्चनिंग द एजम्पशन ऑफ मेल पॉलिटिक्स। तो मेल पॉलिटिक्स में विडोज क्वींस को क्वेश्चंस किया जाता है, बोला जाता है कि वो पावर में नहीं आ सकती है। तो ये किस में आया है, रिचर्ड थर्ड में ये आया है। रिचर्ड थर्ड इज रिटन अप्रोक्स 1592, डिपिक्ट द मैकियावेलियन राइज टू पावर एंड सब्सिक्वेंट शॉर्ट राइन ऑफ किंग रिचर्ड थर्ड ऑफ इंग्लैंड। रिचर्ड थर्ड के राइन को यहाँ पर दर्शाया जाता है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 140 तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।